इस चैनल पे हम यूजुअली बात करते हैं कि आप कैसे अच्छे फोटोज ले सकते हैं अपना फोन यूज करके या फिर कोई भी अच्छा कैमरा यूज करके। अब अच्छे फोटो लेने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कि अच्छा प्रिंट ले पाएं, क्योंकि एक रियल प्रिंट, जब आप फोटो को एक प्रिंट में देखते हैं तो उसकी बात कुछ अलग ही होती है। और अगर आपके पास में एक घर पे एक क्वालिटी प्रिंटर अवेलेबल होता है तो थिंग्स बिकम वेरी मच इजी। जब भी आप फोटो को प्रिंट निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं, ट्रैवल करते टाइम उसको लेके जाना चाहें कर सकते हैं। पर क्या ऐसा प्रिंटर है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्सन के इस PM520 PictureMate PM520 प्रिंटर के बारे में, जो एक पोर्टेबल प्रिंटर है, एक पोर्टेबल अमेजिंग हाई क्वालिटी फोटो प्रिंटर है जो आपको डिफरेंट साइजेस के फोटो प्रिंट करने के ऑप्शन देता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल वर्मा सोशल से, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्सन PictureMate PM520 फोटो प्रिंटर के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, इंट्रो। All right, so this is Epson PictureMate PM520 और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके सारे फीचर्स और कुछ बटन्स और सारी चीज़ों के बारे में कि वो कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आपके सामने ये ट्रे होती है, दिस इज़ वेयर द फोटोज़ कम फ्रॉम, द प्रिंटेड फोटोज़। उसके अलावा देयर इज़ अनदर ट्रे जो ऊपर है, उसको खोलेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे, जिससे आप इस प्रिंटर को ऑपरेट कर पाएंगे। उसके अलावा एक और ट्रे है, यहाँ से आपको विजिबल होगा कि आपका जो इंक कार्ट्रिज है और जो प्रिंट होता है वो आपको वहाँ से नज़र आता है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, ये है इसका मेन ऑपरेटर। तो बात करें इसके इनपुट पैनल की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या बटन्स हैं। आपके पास में पावर ऑन पावर ऑफ बटन है, उसके अलावा होम बटन है, 2.7 इंचेस की LCD स्क्रीन है जो काफ़ी अमेजिंग है। उसके बाद में जूम इन जूम आउट के लिए, टॉगल करने के लिए, ओके बैक करने के लिए, दिस इज टू रीसेट एंड दैट वन इज टू इनपुट। ये जो प्रिंटर है ये आपको 5760x1440 DPI तक की अमेजिंग क्वालिटी वाले प्रिंट करने की ऑप्शन देता है। अगर बात करें डिफरेंट साइजेस की तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 3.5x5 inches, 4.6 inches, 5x7, A3, और अगर आप थोड़े से यूजर डिफाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का बार है ये आपकी फोटो के साइज को अच्छे से फिट करने के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5x7 साइज का प्रिंट का जो पेपर है वो यूज़ कर रहा हूँ, जो काफ़ी प्रीमियम ग्लॉसी टाइप का है। उसी के साथ में आपको साइड में एक हैंडल मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी पोर्टेबल है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू कैरी ऑल दीज थिंग्स। उसी के साथ साथ अगर आप बॉटम में देखेंगे तो आपको एक मेंटेनेंस बॉक्स इसमें मिलता है, जो आप मुझे पेन यूज़ करना पड़ा इसको ओपन करने के लिए, क्योंकि नाखून इतने स्ट्रांग नहीं है। पर जैसे आप इसको देखते हैं, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए अगर आप करना चाहें तो आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा इसको मूव करना है, स्लाइड करना है, और आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको चेंज करना है तो, और वापस डालना है तो आपको सिर्फ उसको वापस से रखना है और इसको थोड़ा सा दूसरी साइड में स्लाइड करके छोड़ देना है। ये करने के बाद में आप वापस से जो उसका ऊपर का फ्लैप है, कवर है, वो उसको लगा सकते हैं और इसको वापस से सीधा कर सकते हैं। सामने की साइड में आपको दो इंडिकेटर्स मिलते हैं जो आपको ऑफकोर्स बैटरी और पावर के बारे में बताते हैं। उसी के साथ में आपको उसी के दूसरी साइड में एक USB को इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जो आप इसका कवर हटा के देख सकते हैं। प्रिंटर के पीछे के पार्ट में आपको USB कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जो आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ में आपके पास में एक SD कार्ड स्लॉट भी है, जो USB के स्लॉट के जस्ट बाजू में है, जहां पे आप पेन ड्राइव अटैच करते हैं। पीछे की साइड में आपके पास में पावर प्लग करने के लिए ऑप्शन है, जो आप इसी के साथ में जो अडैप्टर आता है उसको यूज कर सकते हैं। ये है इसका अडैप्टर, जो काफी लंबे वायर के साथ में आता है, एंड दैट डेफिनेटली वर्क्स रियली अमेजिंग, क्योंकि अगर वायर की लेंथ लंबी होती है तो इट बिकम्स अ बिट ईजियर फॉर अस टू मे बी से पुट द प्रिंटर वेयर एवर वी वुड वॉन्ट टू। तो काफी अच्छी क्वालिटी का है, और उसी के साथ में जो इसकी जो कोड है, पावर कोड है, वो भी आपको मिल जाती है। साइड में अगर आप देखेंगे आपके पास में बैटरी का एक स्लॉट है, जो आप स्लाइड करके ओपन कर सकते हैं। बैटरी ऑप्शनल है, अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि पोर्टेबिलिटी और इजी हो जाती है और आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी पावर अडैप्टर के। अब देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या है। तो मैंने इसको टर्न ऑन किया, टर्न ऑन करने के बाद में जैसा लेफ्ट एंड राइट के एरो हैं उससे आप टॉगल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या सेटिंग्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सेटअप में चलता हूँ और सेटअप को ओपन करते हुए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले इंक लेवल, और अगर आप कार्ट्रिज चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन विच इज बैटरी। द फिलहाल बैटरी हमारे पास में इसमें नहीं है, तो उसका लेवल चेक करने का कोई ऑप्शन बनता नहीं है। प्रिंटर सेटअप में जाके आप एक बार पेपर की सेटिंग को चेक कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इसको 5x7 इंच पे सेट किया हुआ है, ताकि जो मेरा प्रिंट आए वो 5x7 आए।
अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेट्स गो बैक एंड सी पेपर टाइप क्या है। तो मैंने प्रीमियम ग्लॉसी सेलेक्ट किया हुआ है। डिपेंडिंग ऑन आपका किस टाइप का पेपर है, आप किस टाइप के प्रिंट चाहते हैं, आप इसको चूज कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल के लिए प्रीमियम ग्लॉसी पे ही सेट करके रखता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट बैक करते हैं और चेक करते हैं कि पेपर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में क्या है। तो पेपर कॉन्फ़िगरेशन की फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में भी से लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट नेटवर्क सेटिंग। तो आप अपना वाईफाई इससे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने फ़ोन को सेम वाईफाई से कनेक्ट करके इनका जो ऐप है जो है एप्सन आई प्रिंट उसको यूज़ करके आप प्रिंट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट फोटोज़ कर रहा हूँ, वो करने के बाद मैं आपको यहाँ पे राइट में साइज़ दिख जाएगा किस साइज़ का प्रिंट होने वाला है। जैसे आप उसके ऊपर हिट करेंगे आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आपके पास में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी हैं जो इसकी प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है, नहीं तो आप अपने कार्ड मेमोरी कार्ड एसडी कार्ड स्लॉट से कर सकते हैं, नहीं तो यूएसबी से कर सकते हैं, नहीं तो अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके भी प्रिंट्स निकाल सकते हैं। एक प्रिंट को निकालने के लिए लगभग 36 सेकेंड्स तक लग जाते हैं और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो मेक श्योर कि आप हाई रेजोल्यूशन के फोटो से ही प्रिंट निकालें ताकि आपको जो प्रिंट क्वालिटी आएगी वो अच्छी आएगी। तो फोटो की क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रिंट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगी। आई एम रियली हैप्पी विद दिस प्रिंटर। दिस प्रिंटर इज कॉस्टिंग समवेयर क्लोज टू 15,500 ऑन अमेजॉन। हर किसी के लिए ये प्रिंटर नहीं है, पर जिसके लिए भी है दिस इज रियली एन अमेजिंग क्वालिटी प्रिंटर। I loved it. So that's it in this video, guys. I hope आपको Epson PictureMate PM520 printer का जो video है वो काफ़ी पसंद आया। मैं definitely agree करूँगा इसका जो price है वो definitely high bracket में है क्योंकि इनका जो target audience है वो जो niche है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर वाला है, जिन्हें they are more concerned about quality, they are not concerned about maybe say the cost of it. क्योंकि घर बैठ के ease में अगर आपको print मिल जाता है तो things are bit better. तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर प्रिंटर है मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये आम जनता के लिए होगा क्योंकि हर कोई इतना महंगा प्रिंटर अफोर्ड नहीं कर पाए और इतना रेगुलरली शायद आपको इसकी प्रिंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से दिस इज डेफिनेटली फॉर द अदर सेगमेंट्स व्हिच आई ऑलरेडी शेयर्ड इन द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आया तो प्लीज जाने के पहले लीव अ लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो अगर आप चाहें तो, सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो, एंड आई सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज टेक केयर।